फ्रेंड्स, दिस इज प्रीति. वेलकम टू राइट फूड राइट मूड. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. तो आज एक और नई रेसिपी के साथ आई हूँ. एक बहुत क्विक, बहुत सिंपल, बहुत इजी और उतना ही टेस्टी डिजर्ट बनाएंगे आज हम. बहुत सारे फ्रूट्स के साथ, बहुत सारी ड्राई फ्रूट्स की रिचनेस के साथ, एकदम ठंडा, जो आपके टेस्ट बड्स को बिल्कुल हैप्पी कर देगा. आज बनाएंगे हम फ्रूट क्रीम बनाएंगे. बहुत जल्दी से बन जाएगा और बहुत सारे फ्लेवर्स उसमें रहेंगे. रेसिपी शुरू करने से पहले डू टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू अस. और हमारे रेसिपीज अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर देम. चलेंगे रेसिपी की ओर. ये उसके लिए मैंने करीब कुछ 2 कप ले लिया है, व्हिपिंग क्रीम लिया है. आप व्हिप क्रीम ना लें, अगर आप फ्रेश क्रीम लेंगे तो उसको बिना शेक किए हुए लेंगे, क्योंकि उसका सिर्फ हमें थिक पार्ट चाहिए, उसमें जो लिक्विड होता है वो नहीं चाहिए. आपका क्रीम रनी नहीं होना चाहिए. तो एकदम ठंडी क्रीम आप लेंगे, जैसे कि आपको मालूम है, ठंडा ही वेसल लेंगे. और ये मैं इलेक्ट्रिक बीटर से इससे पहले लो स्पीड पे ग्रेजुअली स्पीड को हायर करके सॉफ्ट पीक तक, जैसे केक में हम थोड़े से स्टिफ पीक्स तक उसे बीट करते हैं, इसमें स्टिफ पीक्स नहीं चाहिए. तो थोड़े से सॉफ्ट पीक तक ही मैं बीट करूँगी. स्टार्ट कर रही हूँ बीट करना. 2 टेबलस्पून के करीब मैं कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ. ना अवेलेबल हो तो आप अवॉइड कर सकते हैं. ये कंडेंस मिल्क इसमें डाल दिया. 1 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस डाल रही हूँ. इन सब के साथ आप शुगर चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं. मैं करीब 2 टीस्पून फिर भी डाल रही हूँ. स्वीटनेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी लाइकिंग्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें. और इन सब को अब हम बीट कर लेंगे. ये देखिए, सॉफ्ट पीक तक हो गया है ना. स्पैचुला पे रुक रहा है, गिर नहीं रहा है. तो क्रीम हमारी व्हिप्ड हो गई है. मैं इसे ग्लास बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ. एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आप इसमें ड्राई फ्रूट अभी मिला के फ्रिज में सेट होने के लिए रख सकते हैं, लेकिन जो फ्रूट्स आप इसमें मिलाएंगे, फ्रूट्स कोशिश कीजिए ठंडे, और जब आप सर्व करेंगे सिर्फ उसी टाइम मिलाएं, क्योंकि फ्रूट्स अदरवाइज अपना पानी इसमें छोड़ देंगे और आपका फ्रूट क्रीम काफ़ी लिक्विड हो जाएगा. तो इसमें मैं थोड़े से मिक्स कर रही हूँ. चॉप ड्राई फ्रूट्स हैं ये, कुछ मैंने आमंड्स, कैश्यू, रेजन्स और ड्राइड बेरीज हैं. आप अपनी चॉइस का कुछ भी ले सकते हैं. थोड़े से मैं इसमें डालूंगी, थोड़े से ऊपर से टॉप करने के लिए बचा लूंगी. ये डाल रही हूँ फ्रूट्स. कुछ मैंगोज मैंने काट लिए, प्लम है, और ये स्ट्रॉबेरी या चेरीज, आपके पास जो भी हो. बनाना है फ्रूट जो भी सीजनल हो, जो भी आपको पसंद हो. आपकी रेसिपी है, आपको खाना है, तो जो आपका मन करे आप वो इसमें डालिए. ये इस तरह के फ्रूट्स डाल के इसमें इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम. ये इस बोल में हमारे फ्रूट्स मिक्स हो गए हैं. कुछ फ्रूट्स को मैं गार्निश करने के लिए टॉपिंग में डाल दे रही हूँ. थोड़े से बचे हुए ये नट्स भी, लग रहा है ना एकदम माउथ वाटरिंग. इट इज माउथ वाटरिंग एंड स्क्रम्पशियस टू. This is your bowl of happiness. Do try this recipe and if it turns out well, so do share your feedbacks with us. It really motivates us to do better. Milungi ek aur isi tarah ki mouth-watering, scrumptious, delectable recipe ke saath. Till then, aap bane rahiye hamare saath Right Food Right Mood par. Hamari recipes dekhte rahiye, share karte rahiye aur hame apna pyar dete rahiye. Do take very good care of yourself. Enjoy this bowl. Thank you.